लहार के पिपरी गांव से है, जहां सड़क खराब होने की वजह से गांव के लोग शमशान घाट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को अपने खेत में ही अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इंसान जीते जी तो संघर्ष करता ही है, लेकिन क्या हो अगर व्यक्ति को मरने के बाद भी संघर्ष करना पड़े। लहार में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सोमवार सुबह ज्ञान कुंवर राठौर की एक महिला का निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनके घर वालों को अपने खेत में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्योंकि शमशान घाट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो कीचड़ और दलदल से भरा हुआ है। अब सवाल है, क्या मरने के बाद भी लोगों को अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? क्या सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शमशान नहीं मिलेगा? शमशान भूमि पर केवल जगह है और उसके अलावा ना तो वहां पर टीन शेड है और ना ही बाउंड्री। गांव वाले भी परेशान हैं, कह रहे हैं क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है और हमारी मजबूरी है कि हमें अंतिम संस्कार अपने अपने खेतों में करना पड़ रहा है। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई ऐसी जंगल भीहड़ में आ चुके हैं, ऐसा शमशान घाट बना है। केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर पिलर खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर टीन सेट होना चाहिए था, चारों तरफ बाउंड्री होना चाहिए थी, एक रास्ता होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आने तक के लिए बड़ा ही कठिन रास्ता है, जिसको पार करके बीच खेत में से यहाँ पर जो फसल खड़ी हुई है उसमें से हमें यहाँ आना पड़ा। अरे साहब, यहाँ जगह नहीं है, परेशानों से जनता निकलने के लिए रास्ता नहीं है, खेतन में निकल के उतरे, फसल खड़ी है, जगह टूट चुकी है, आसपास बाउंड्री गाजर घास ठाड़ो दखनी खड़ो है बहुत। सो जब इस मामले में सरपंच से बात की गई तो उनका कहना है कि मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है, जबकि गांव वालों ने कई बार अधिकारियों से लेकर सरपंच तक को इस बात की सूचना दी है। जब एसडीएम लहार से बात की गई तो उनके द्वारा कॉल नहीं उठाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।